अमर राजा बैटरीज लिमिटेड पर प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमर राजा बैटरीज लिमिटेड ARBL 1985 में इन्होंने मैन्युफैक्चर किया वेल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज। इनके साथ जुड़ गई है टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जॉनसन कंट्रोल इंटरनेशनल 1998 में 26% हिस्सेदारी के साथ। दोनों ने मिलकर लॉन्च किया एक नया प्रोडक्ट एमरॉन, जिसका नया फीचर मार्केट को बहुत पसंद आया, न्यू लुक, जीरो मेंटेनेंस और लॉन्गेस्ट वारंटी, एंड ए स्टार वाज बोर्न इन 2000। प्रोडक्ट अपने स्ट्रेटजी की वजह से मार्केट में बहुत सक्सेसफुल रहा और लोगों को उसके फंक्शंस और लुक बहुत पसंद आए। इसके साथ ही बन गया ARBL भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लेड एसिड बैटरीज, और इसका ऑपरेशंस रहा दोनों सेगमेंट में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और ऑटोमोटिव। अपने पैन इंडिया रिटेल नेटवर्क के लिए जाना जाता है अमर राजा। उसकी पहुंच देश के कोने कोने में है और वो ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बजाज, लेलैंड, मारुति, महिंद्रा, हयुंडई, होंडा के साथ डील करता है। इंडस्ट्रियल बैटरीज में टेलीकॉम कंपनीज और रेलवेज के साथ इसका सप्लाई रहा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एडेक्वेट है, टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो और इंडस्ट्रियल बैटरीज हो। एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्शन का करीब 10% हिस्सा फॉरेस्ट एशियन कंट्रीज के लिए और अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। ऐसे बन गया फॉर्मिडेबल चैलेंजर। इंडस्ट्रियल बैटरीज में उसका लीडरशिप है और ऑटोमोटिव बैटरीज में ये है बहुत बड़ा नंबर टू टू एक्साइड। 15 सालों में देखेंगे तो रिटर्न है अमर राजा का 25%, एक्साइड का 12%। 10 सालों में भी अमर राजा है आगे 22%, पीछे है एक्साइड 6%, लेकिन पिछले 5 सालों में एक्साइड का रिटर्न है 1% प्लस और अमर राजा बन गया नेगेटिव 2.7। वैसे तो निफ्टी ऑटो के साथ इसका कंपैरिजन करें तो एक्साइड है 21% और अमर राजा है 33%, दोनों पीछे हैं निफ्टी ऑटो के। पिछले 12 महीने ARBL के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अप टू अक्टूबर उसका ग्रोथ नॉर्मल था, लेकिन बड़ा ग्रोथ आया नवंबर में, और जो भी ग्रोथ आया नवंबर में 30%, नेक्स्ट 6 मंथ्स में वाइप आउट हो गया और कंपनी पहुंच गई अपने अक्टूबर के लेवल के ऊपर। अभी अपना कोशिश जारी रखा है स्टेटस पाने के लिए जो नवंबर के आखिर में था। वैसे तो ARBL प्रमोटर्स गालास और JCI के प्रमोटर्स के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन अप्रैल 2019 में JCI ने प्रमोटर्स को बता दिया कि वो अपने बिजनेस सेल कर रहे हैं और उसकी वजह से एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स को टर्मिनेट करने की जरूरत है। दोनों के बीच में समझौता हो गया और गालास ने एग्री किया कि JCI के 26% में से वो ले लेंगे 2% और बाकी 24% JCI अपने बिजनेस के साथ सेल कर सकती है। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद हो गया प्रमोटर्स के पास 28.1% और रिटेलर्स एंड अदर्स में आ गया 38.1%, इंक्लूडिंग जो JCI के पास बचा था 24%। एग्रीमेंट टर्मिनेट करने की बात मार्केट को पता चल गया तो स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आ गई, क्योंकि JCI इंटरनेशनल पर मार्केट को बहुत भरोसा था और गिरावट 18 अप्रैल और 19 जून के बीच में आ गई करीब 20%। उसके बाद JCI ने बेच दिया ब्रुकफील्ड्स को, जिनके रिप्रेजेंटेटिव रहे क्लैरियोस। वो पहुंच गए इस साल कंपनी के पास बताते हुए कि उनको बेचना है 10% आउट ऑफ 24%, और उन्होंने बेच दिया 25 मई को, जिससे जो गिरावट आई वो बहुत बड़ी रही। हाईएस्ट ऑफ 1013 इन जनवरी से शेयर पहुंच गई मई 25 को 733, करीब करीब 30% फॉल। अभी बेच गए 10%, बाकी बचा है 14%, और इसके बारे में कंसर्न है इन्वेस्टर्स को और प्रमोटर्स को भी। और ये रहे अपने रिसेंट 10% जो बाई किया था। कंपनी के प्रमोटर्स आंध्र प्रदेश से बिलोंग करने की वजह से उनके सारे बिजनेस ऑपरेशन तिरुपति और चित्तूर के बीच में कॉन्सेंट्रेट हुआ है, लेकिन प्रमोटर्स का रिलेशन रहा है ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ द स्टेट, और उसकी वजह से उनको तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। जैसे लैंड रिट्रीवल किया गया जो 10 साल पहले अलॉट हुआ था, और प्लांट क्लोजर नोटिस आ गया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, जिसे बिजनेस को ऐसे तकलीफें उठानी पड़ रही हैं कि वो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में गिर जाएं, बिजनेस को स्टॉप करें
और फाइनेंशियल कॉस्ट को इनकर करें। प्रमोटर्स को इसके बारे में सोचने की वक्त आ गया है कि कंपनी के ऑपरेशंस को तिरुपति और चित्तूर के साथ आंध्र प्रदेश के बाहर भी एक्सपांड करें, ताकि रिस्क मिटिगेट हो और कंफर्टेबल रहे इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स। लिथियम आयन बैटरीज जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है और जिसको अपनाना कंपनी के लिए जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट के ग्रीन मोबिलिटी और एमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए, लेकिन कंपनी ने अपने टेक्निकल पार्टनर्स के बारे में कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है। और हम देख सकते हैं एक्साइड ने इस बारे में बहुत प्रगति की है और उन्होंने जेवी भी साइन कर लिया एक स्विस फर्म के साथ आरबीएल को। ये एक अपॉर्चुनिटी है और वो जल्द से जल्द इसके बारे में सही फैसला करें। कंपनी के मार्जिन और बाकी फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी तो है स्ट्रांग, प्रमोटर्स प्लेज तो नील है, सीएजीआर 10 साल का अच्छा है, फिर भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में वैसे बहुत बड़े लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस नजर नहीं आते हैं। पिछले साल तो रेवेन्यू नॉर्मल ग्रोथ था 1%, लेकिन प्रॉफिट में इंक्रीज आ गया 15%, जो एबनॉर्मल था। और करंट साल में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों साथ साथ जाते हुए दिख रहे हैं और 3 ईयर सीएजीआर भी करीब 5% के आसपास है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फ्लोबैक ऑफ प्रॉफिट्स, कंट्रोल ऑन डिविडेंड्स कंपनी के हित में है। जैसे हम देखते हैं ग्रीन वाला जो कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस और येलो वाला जो इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स लगातार बना रहा है और ये कंपनी के स्ट्रेंथ हैं। और इसके साथ हम देख सकते हैं मार्जिन का प्रेशर भी कंपनी के ऊपर बढ़ गया, क्योंकि लेड प्राइसेस में बढ़ोतरी आ गई लेकिन मार्केट प्राइस में इन्होंने बढ़ोतरी करने में देरी की है, जिसकी वजह से इबिडा परसेंटेज में गिरावट आ गई। जून 20 में गिर के 13.2% आ गया इबिडा और अमाउंट ऑफ इबिडा ऑल्सो बहुत कम आ गया 152 करोड़। और यह गिरावट फिर भी देख सकते हैं हम मार्च क्वार्टर में, जिसमें कहा जाता है कि प्राइस इंक्रीज को किया गया है लेकिन पास ऑन नहीं किया गया। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ऊपर गए करीब 4% के आसपास, लेकिन इनके करंट एसेट्स में बिल्ट अप है करीब 26%, जो बढ़ गया 2200 से 2800 करोड़, करीब 600 करोड़ की बढ़ोतरी। वो 600 करोड़ में तो आ गए इन्वेंट्री के बिल्टअप से और रिसीवेबल्स की वजह से। तो इससे साबित होता है कि कंपनी के इन्वेंट्रीज बढ़ रहे हैं, रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेन्स कंपनी एक्सपीरियंस कर रही है। तो इन सभी चीजों की वजह से हम देख सकते हैं फाइनेंशियल हेल्थ है, क्वालिटी है, ग्रोथ है, लेकिन परफॉर्मेंस को एक्सेलेंट नहीं कह सकते। टेक्निकल्स की बात करें तो इसमें पॉजिटिविटी बहुत कम दिखती है। डेली चार्ट में प्राइस है सभी शॉर्ट एंड मीडियम टर्म एवरेजेस के नीचे। बोलिंजर बैंड में हमको साफ साफ पता चलता है कि ट्रेंड ऑफ द प्राइसेस इज डिसेंडिंग चैनल और प्राइसेस आर बिलो द मिड पॉइंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट रहा है 701। तो इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्राइस अभी चल रहा है वो ऊपर की तरफ बढ़ने से पहले संभावना है कि वो ये ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए 701 तक आ पहुंचे और उसके बाद एक नया ट्रायंगल पकड़ के अपना ऊपर वाला मूवमेंट कायम रखे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में पोटेंशियल तो दिखता है, क्योंकि आज का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 37.1, लेकिन ये पोटेंशियल इस्तेमाल करने के लिए जरूरत है कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस और मार्केट सपोर्ट। कुछ एनालिस्ट्स और ब्रोकर्स ने कंपनी को डाउनग्रेड किया है, मेनली इसका रिश्ता है टेक्निकल्स से और टेक्निकल पार्टनर फाइनलाइजेशन डिले की वजह से। अमर राजा बैटरीज एक सक्सेस स्टोरी रही है, स्टार ऑफ 2000 विद ए न्यू प्रोडक्ट, वेरी सक्सेसफुल, बन गया नंबर 2 इन ऑटोमोटिव बैटरीज, वेरी क्लोज टू एक्साइड। जेसीआई की डिपार्चर से कंपनी को थोड़ा धक्का लगा, साथ में गवर्नमेंट के इंडिफरेंस की वजह से भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कंपनी ने डिले किया है आयन बैटरी के पार्टनरशिप के बारे में।
मार्जिन भी घट रहे हैं क्योंकि प्राइस रिवीजन डिले किया गया है और टेक्निकल्स भी इसके साथ नहीं हैं, लेकिन कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप ऐसे ही वीडियो स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड इन्फो कार्ड पे पा सकते हैं। आपके व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स की इंतजार है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको इंटीमेशन ऑन वीकली वीडियोस टाइम पे पहुंचे। आपके सपोर्ट के लिए, टाइम के लिए और इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। ये सॉलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटीज से कोई मतलब नहीं रखता है। आप अपने जरूरत के मुताबिक किसी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल कंसल्टेंट से एडवाइस जरूर ले लें।